तेरे आम पूर्व क्लास रे जो पढ़ी जो राजा थे आर्किमेडिस देते गोटे सुनार मुकुट एवं ये सुनार मुकुटे केते खांटी सुना अच्छी कि से किसी नकली अच्छी अन्य किसी मिसी जानापी बिना भंगारे निरे न तरल किपर यह जाणीहब ता आर्किमेडिस दि जाइला आर्किमेडिस बहुत दिन धरी खूब चिंतार थे हठात जो गाधुआ कुंड सूत्रटी मिली जाइला जहाँकि यूरेका यूरेका कही से उल्लग्न अवस्था दांडर धाई ये विषय पूर्व पढ़ी तेज तार परवर्त समय आज आम पढ़ा जे अजा गोटे कथा कह अन्य केड़े जा पशिले तेणु मुना व्यस्त हो जाए अजा कहले वस्तुटी पा भितर जी स्थान दखल कै से स्थान पा को ओजन कले जी हे वस्तुर ओजन से कम फल मन हुए वस्तुटी को जपरी से बल किए उपरक ठेलुच जेकोसी तरल पदार्थ रही गुण अच्छी खंडे लुहा को जदि आम पानी पकड़े ता बुड़ी जाता बेले तरल पारद भाषे कारण पानी ठेला बल लुहार ओजन ठार कम होता बेले तरल पारद ठेला बल लुहार ओजन ठार बेस तेब अजा किसी कह आगर मुना सर्ट किनि उत्तर देला एवं कहला जो वस्तु ता समान आयतन रे जल किंवा से भली कौन सी तरल पदार्थ ठार अधिक ओजनिया ता बुड़ी जीव कम ओजन बा हल्का हेले ता भासिब पथर भितर जदि आम फंपा स्थान किसी रखा ताल से भासिब सोल भितर जदि आम किसी लुहा खंड मिसेबा तेब ता बुड़ी जीव तेब ये तो थिला आर्किमेडिस जड़े विज्ञानी सिद्धांत भाव से तथ्य पाई से केवल जड़े वैज्ञानिक नुहे से मध्य जड़े गणितज्ञ तो से गाधुआघर पाणीकुंड से विज्ञान जो तथ्यटी पाइले से तथ्य को प्रयोग कर राजा मुकुट खांटी सुनार तैयारी कि नहीं ता जानपार गोटे छोटिया घटना केमती विज्ञान एत बड़ तथ्यट मिलगला जाने मुना खुशी रे ताली मारा तेब वैज्ञानिक आर्किमेडिस इटाली सिसिली द्वीप अंतर्गत सिराक्यूज नामक सहर में ख्रीष्टपूर्व 287 ख्रीष्टपूर्व 287 रे जन्म ग्रहण करथिले एवं ख्रीष्टपूर्व 212 रे से मृत्युवरण करथिले एवं से राजांगर खूब प्रिय पात्र थिले सेतेबेले जो सिराक्यूज तो सिराक्यूज जो दखल कला बेले आर्किमेडिस मझी रास्तार बसी बाली रे गार टाणी अंक कसुले से माने तांको चिन्ह न पारी भूल रे हत्या करथिले एहा जानिला परे से माने खूब अनुताप कले कारण से आर्किमेडिस को केबे देखि नथिले केवल तांको नाम सुनिथिले तांको परिचय जानिथिले तेणु शत्रु सैन्य हेले मध्य से एपरि जणे प्रतिभावान वैज्ञानिक पाखरे तांकर मुंड नईगला तांकु सेमाने सेठु नहीं एक समाधि देई से कसुथुबा जो अंकर चित्रटिकु समाधि उपरे आंकी दिए
ଦେଇଥିଲେ ବା ଦିଆଗଲା। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ କିଏ ଭାସେ ଓ କିଏ ବୁଡ଼େ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଏକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଏକ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ ଜଳରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଭାସେ ଓ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ବୁଡ଼େ ତାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମନ୍ତ କିପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ ତାହା ଉକ୍ତ ବିଷୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ଏ ବିଷୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେବେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଠନ କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ ସେ ପଚାରିପାରିବେ।